सो हेलो मेरे प्यारे गेमर्स भाई लोग एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का के एक और मजेदार एपिसोड में और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो हम लोग चीज का प्रोडक्शन जो है स्टार्ट कर दिया है और अगर तुम लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो भाई जरूर से देख लेना क्योंकि तो हम लोगों ने हंड्रेड के डॉलर पिछले एपिसोड में कंप्लीट किया हुआ है भाई बहुत ज्यादा मजा आ गया था एंड ये सब हम लोगों ने सॉसेज बेच के किया हुआ है तो भाई जरूर से देख लेना अगर वो एपिसोड तुम लोगों ने नहीं देखा है तो और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो चीज यहाँ पर मैंने बनाने के लिए रखा था और यहाँ पर बन चुका है पक चुका है मतलब कि तो इसको सुखाने के लिए भी मेरे को रखना पड़ेगा भाई और वहां पर तुम लोग गाय देख रहे हो भाई यस दूध का भी प्रोडक्शन बहुत तगड़े से हो रहा है एक एक तबेले में चार चार पांच पांच गाय है तुम लोग समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा दूध आने वाला है बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हम लोग चीज भी बनाने वाले हैं और यहाँ पर मैंने एग भी इकट्ठे कर लिए एंड एग और भी इकट्ठे करने हम लोगों को जाना पड़ेगा यस भाई तो अभी हम लोग वही जाने वाले हैं चिकन वाले एरिए तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर चीज जो बना हुआ जो पक चुका है ना उसको सूखने के लिए रख देता हूँ ओके okay, इस वाले सेल्फ भी डालना है मेरे को मतलब कि पूरे पूरे सेल्फ में भाई भी जल्दी जल्दी से यहाँ पर सुखाने के लिए रख देना है मेरे को ओके okay, फाइनली यहाँ पर मैं पूरा का पूरा चीज जो वो सिखाने के लिए रख दिया अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से हम लोग दूध डालना स्टार्ट कर देते हैं ओके okay, इसमें पूरा का पूरा दूध हम लोगों ने डाल दिया अब यहाँ पर मेरे को ब्लू मोल्ड डालना पड़ेगा और हाँ हम लोग आज एग भी डालने वाले हैं ऑफ कोर्स भाई एग इसीलिए तो लाया हुआ है ना अपन ने तो एग भी डालेंगे पहले एग डालने का काम अपन कर लेते हैं एंड जल्दी जल्दी से इसमें ब्लू मोल्ड भी डाल देता हूँ एंड उसके बाद इसको भी पकाने वाले हैं एंड उसके बाद हम लोग चिकन वाले एरिए जाने वाले है भाई और यहाँ पर ये अंडा जो है वो यहाँ पर का खत्म हो चुका है हम लोग जाने वाले हैं चिकन फैक्ट्री पे भी लेकिन सबसे पहली बात ना इसको पकाने के लिए रख देता हूँ मैं ये पकते रहेगा तब तक से हम लोग अरे नीचे नहीं गिराना था भाई ये पकते रहेगा तब तक से हम लोग क्या करने वाले हैं की जाने वाले हैं चिकन फैक्ट्री पे एंड अंडा लेके आने वाले हैं ओके भाई फाइनली ये हम लोगों ने पकने के लिए रख दिया है अब जल्दी से हम लोग चले जाते हैं चिकन फैक्ट्री पे बिकॉज आज हम लोग बहुत ज्यादा अंडे तैयार करने वाले हैं भाई अभी तो यार उनके चूजे भी पैदा हो गए होंगे ना भाई और यहाँ पर हम लोगों ने भाई पूरे का पूरा पिक को मार डाला है और हाँ भाई उसी के कारण बहुत ज़्यादा लैग हो रहा था तो तुम लोग देख सकते हो कि नन्ने मुन्ने से बस पिक्स बचे हुए हैं भाई और ये मर भी गया भाई एक तो और हाँ तुम लोगों ने अगर इसका एपिसोड नहीं देखा ना चिकन फैक्ट्री वाला तो वो भी देख लेना यार क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत से भाई ये चिकन फैक्ट्री बनाया हुआ है मैं तो वही बोलूंगा कि आप पूरा प्ले लिस्ट चेकआउट करो यार रैन सो मिलेटर का तुम लोग को सच में बहुत ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ किए हुए भाई रैन से मिलेटर में हम लोग और यहाँ पर अंडे तो हैं एक्चुअली पे लेकिन बहुत कम है यार ई है चालीस को जाने चाहिए भाई उतना इनफ है फिर मेरे लिए तो ओके जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पर से उठाना स्टार्ट कर देते हैं अरे भाई इन लोग तो यार अंडे से ज़्यादा हग्गू किए हुए हैं भाई हद होती है यार है तुम्हारा हग्गू मैं नहीं उठाने वाला पहले बता रहा हूँ मैं तुम्हारे यहाँ से कितायाती थी भाई अरे भाई ये लोग अंडा लेने की नहीं दे रहे अंडा लेने दो ना तुम लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पर इनका खाना भी देखना पड़ेगा ना मेरे को लेट्स गो बाहर में बाहर नहीं बाहर नहीं निकलना बहुत बढ़िया बहुत अच्छी मुर्गी रे तू और यहाँ पर भाई मेरे को डालने पड़ेंगे ये, गलत सीन हो जाता है भाई अभी अगर मैं नहीं देखता तो भाई यही तो नहीं करना है मेरे को ओके okay, जल्दी जल्दी से अभी मैं ये कर लेता हूँ और हाँ जितने भी खाली वाले मिल्क कैन है ना उसको भी हम लोग अभी दूध भरने वाले हैं उसमें मतलब कि भाई आज तो हम लोग दूध भी निकालने वाले हैं धड़ल्ले से एकदम सही समझ रहे हो ना तो यस भाई जो खाली बचा हुआ उसको मैं जल्दी से उसमें दूध निकालना स्टार्ट कर देता हूँ और इसमें कितने हैं थर्टी वन है कोई बात नहीं थर्टी 31... वन ओके यहाँ पर भी यहाँ पर भी है भाई एक एक जगह का चुन चुन के निकालेगा रे अपन ओके okay, लेट्स गो भाई अब हम चले जाते हैं फैक्ट्री पे मिल्क वाले एंड गायों से भी हम लोगों को जल्दी जल्दी दूध निकालना है और भाई आज के एपिसोड में बहुत कुछ करने वाले क्योंकि मैं सोच रहा था यार इतने टाइम क्योंकि हम लोग अभी चीज बना रहे हैं तो चीज बनाने में भी टाइम लगेगा भाई मैं भाई मैं पांच सौ पांच सौ चीज नहीं बनाने वाला मैं सोच रहा हूँ की जब अपन चीज बेचेंगे ना तो हजार से ऊपर चीज होने चाहिए भाई तो और भी ज्यादा मजा आएगा पैसे भाई डबल करने या ट्रिपल करने चौपल करने मेरे को समझ रहे हो इस रेंज को और भी ज्यादा रिच बनना है मेरे को तो यस भाई उसके लिए मेरे को और भी ज्यादा चीज बनाना पड़ेगा तो चीज बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो यस भाई उसको हम लोग थोड़ा बहुत ऑफलाइन भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं अभी मैं ऑफलाइन भी बहुत सारे चीज़ बनाया हुआ हूँ जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि सूख भी गए वो लोग एंड आज हम लोग सोच रहे हैं कि यार हनी फार्म बनाया जाए क्या क्योंकि यार हनी प्रोडक्शन भी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करना है क्योंकि भाई उसमें भी पैसा है क्योंकि यार जब तक से हम लोग हनी फार्म नहीं बनाएंगे ना तब तक, तक हम लोग अच्छे से हनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो यस भाई मैं सोच रहा हूँ कि हानि जल्दी से बना लिया जाए लेकिन उससे पहले यहाँ पर अभी मैं दूध निकाल लेता हूँ गायों के और जितने भी यहाँ पर कैंस है देखो पूरे खाली कैंस पड़े हुए सबको लेके जा रहा था मैं और ये भी खाली है ना तो सबको लेके चलो भाई इनको एंड यहाँ पर से जल्दी जल्दी से मेरे को दूध न... जो निकालना है तो जल्दी जल्दी से मैं दूध भी निकालना स्टार्ट कर देता हूँ और यहां पर मैंने और भी मशीन ला के रख दिए मिल्किंग वाले बट मेरे ख्याल से जितना मशीन लगा हुआ ना उतना इनफ है यार समझ रहे और यहाँ पर कितने दूध निकल चुके हैं वैसे इसमें तो है दूध इसमें नहीं है यस भाई इसके अंदर डाल दो देख लो भाई इस तबेले में कितने हैं। पांच गाय है तो मतलब पांच चार पांच चार करके है इसमें तीन होगा क्योंकि मैं चार चार के हिसाब से लाया था तो कुछ कुछ तबेले में ना गाय घुसने नहीं दे रही थी जैसे कि ये देख लो भाई ये बोलती है कि तीन रहेंगे हम चौथे को घुसने नहीं देंगे मैं बोला रह लो भाई कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर मैंने कई कई जगह पे मैंने पांच ला दी और कई कई जगह पे मैंने यहाँ पर चार है तो यस भाई बहुत ज्यादा दूध का प्रोडक्शन अभी हम लोग करने वाले हैं तो भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई एंड चलो भाई जल्दी से दूध निकाल के दो मेरे को ओके यहाँ पर कितना दूध है भाई भाई ओके मिल्किंग मशीन से वैसे बहुत जल्दी दूध जो वो निकल जाता है यस तो भी मैं क्या करता हूं कि यार पूरे पूरे गायों के पहले मैं दूध निकाल लेता हूँ फैक्ट्री में जितनी गाय है ना भाई सबकी दूध निकालनी मेरे को समझ रहे हो तुम लोग तो ये दूध निकालने में हद से ज्यादा टाइम लगने वाला है तो यार पूरा पूरा वीडियो में नहीं दिखला सकता हूँ ना दो से तीन घंटे की वीडियो बन जाएगी भाई समझ रहे हो तो मैं जल्दी जल्दी से दूध निकालने का काम कर लेता हूँ एंड उसके बाद में तुम लोगों से मिलता हूँ ठीक है A few moments later. So gamers, यहाँ पर मैंने पूरे पूरे दूध निकाल लिए और आधे से ज्यादा जो भरे हुए कैन थे ना उसको मैंने फैक्ट्री पे ले जाके रख दिया है एंड थोड़ा बहुत बचा हुआ है हाँ ये लास्ट थी ना ओके okay, ठीक है लेफ्ट को अब ये तो खाली है ओके okay, इनको मैं यहाँ पर रख देता हूँ क्योंकि जब मेरे को दूध निकालना रहेगा तो मैं वापस से आ जाऊंगा दूध निकालने के लिए और भाई सब चलो तुमको दिखला हूं कितने सारे कैन यहाँ पर हम लोगों ने ला के रख दिया तो भाई तुम लोग देख सकते हो अरे अरे ठीक है अरे गिर ना ना जाए भाई ये बिखरा पड़ा है बट ये पूरे कैन पूरी भरी हुई है भाई बयालीस के बयालीस लीटर भाई तो तुम लोग देख सकते हो भाई इतना ज्यादा हम लोग आज जो है दूध निकाल लिए हैं तो भाई यहाँ पर जितने भी मैंने चीज बनाए हुए हैं ना इसको मैं ऑफलाइन और भी बना लूंगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आज हम लोग जो काम करने वाले ना पहले वो कर लेते हैं तो अभी मैं इनको जल्दी से सुखा देता हूँ ओके भाई यहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा चीज जो है वो सुखा दिया है ये यह देखो यहाँ पर भी डाल दिया एंड एक यहाँ पर बच गया यार अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि और भी सेल्फ बना दो क्या कि इतना सेल्फ इनफ है यार मेरे ख्याल से इनफ है ठीक है कोई दिक्कत नहीं ये सूखने में टाइम लगेगा तो अरे इधर और भी बची हुई है अरे यार ठीक है अभी ये सूख गया ना उसको भी हम लोग कर देंगे क्योंकि जो सूखा हुआ है ना उसको मैं कूलर के अंदर डाल दूंगा इसके अंदर तो ब्लू मोल्ड है इसके अंदर अभी डालने वाला हूँ लेकिन अभी नहीं डालने वाला भाई इसको मैं अपन ऑफलाइन कर लेंगे आज हम बनाने वाले हैं बी फार्म यस भाई तो उसके लिए फैक्ट्री बनानी जरूरी है ना कुछ अलग तरीके वाला फैक्ट्री बनाने वाला क्योंकि यार मैं एकदम ज्यादा बड़ा नहीं बनाने वाला हूँ बी है तो छोटे छोटे मतलब उसमें वो लगते हैं ना एक्सट्रक्टर वगैरह छोटे छोटे लगते हैं तो मैं सोच रहा यार हूँ यार थोड़ा सा ना हम लोग ना यूनिक टाइप का बनाए ओके ऐसे टाइप का कुछ मैं स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ देखते पहले मैं ब्लू तैयार कर लेता हूँ उसके बाद में तुम लोगों से मिलता हूँ उसके बाद में तुम लोगों को दिखलाता हूँ ब्लू अपन ने कैसे बनाया है ठीक है तो यस मेरे भाई लोग यहाँ पर तुम लोग ब्लू देख

आई डोंट नो भाई है अच्छा पहले इसमें डालना पड़ता है मैं भूल जाता हूँ यार इसमें डालना पड़ता है तभी तो जाके ऊपर वाले में बना सकता हूँ मैं हाँ क्या हो गया तुम लोग को खाना मिल गया ना खाओ ना खाओ पियो करो भाई तुम लोग और क्या आ, ना भाई जल्दी जल्दी से मैं प्लैंक्स डाल लेता हूँ ठीक है ओके okay, गेमस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट जो वो प्लैंक्स डाल दिए हैं यस भाई अब इसके ऊपर का हिस्सा जो है मेरे को बनाना है तो इसके लिए अपन ये यूज करने वाले हैं ट्रायंगल भाई समझ रहे हो ना अच्छा लग रहा है यार लेकिन भाई सच में अच्छा लग रहा है बिलीव में यार अभी पेंट करूंगा ना तो बहुत ज़्यादा धाकड़ लगने वाला है बहुत मज़ा आने वाला है समझ रहे हो ना ये फैक्ट्री तो भाई ये फैक्ट्री तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है यार मेरे सबसे फेवरेट फैक्ट्री में से एक हो जाएगी लग रहा है ठीक है यार देखते हैं देखते हैं पेंट करने के बाद देखेंगे कैसा लगेगा मेन तो उसके बाद पता चलेगा ना भाई पेंट करेंगे तभी देख पाएंगे अपन तो जल्दी जल्दी से ये पूरा पूरा प्लैंक्स मैं इसके ऊपर भी डाल देता हूँ ठीक है अब मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ इतमान से अब यहाँ पर हम लोग कुछ बनाए क्या मेरे ख्याल से बना सकते हैं यार रुको मैं देखता हूँ कि क्या चीजें बना सकता हूँ मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ ऐसी चीजें हाँ यार ऐसा डिजाइन ही बना देता हूँ ना मैं ऐसा अगर अच्छा लगेगा तो रखूंगा नहीं तो नहीं रखूंगा मैं हाँ यार ये अच्छा लग रहा है वैसे खाली पिलियार अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है रुको पहले जाके देख लेते हैं कैसा लग रहा है वैसे ये बनेगा तो अच्छा लगेगा तुम लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि, कि अगर इसको हटाना रहेगा तो लेकिन यार मेरे को तो सच में अच्छा लग रहा है तो इधर भी वही चीज मैं कर देता हूँ तो जल्दी जल्दी से ये ब्लू प्रिंट बना लेता एंड जल्दी से प्लैंक डाल लेता एंड उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये हनी फैक्ट्री कैसा लग रहा है ओके okay, पर जो हम लोगों ने लगा दिया है प्लैंक्स प्लैंक्स और प्लेंक्स लगने के बाद भाई सच बता रहा हूं, ये कुछ यूनिक सा लग रहा है अच्छा लग रहा है लेकिन अब पेंट करना है मेरे को पेंट भी करना है लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक्सट्रैक्टर वगैरह लगा लेता हूँ ना यार जो भी हनी है एक्सट्रैक्टर वगैरह मेरे को लगाना है पहले ये तोड़ लू मैं सीढ़ी को तोड़ना बनता है भाई क्योंकि बिना सीढ़ी तोड़े थोड़ा दिक्कत हो जाएगा तो यहाँ पर मैं सेल्फ भी बनाने वाला हूँ ताकि हम लोग जो बैरल्स रहेगा ना हनी वाला उसको हम लोग इकट्ठे कर पाए तो यार वो कहा चला गया जी रहा ना वो सेल्फ तो ये सेल्फ को मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ और एक मैं इस वाले जगह पे रख देता हूँ अब यहाँ पर नापन बनाने वाले हैं ये हनी एक्सट्रेक्टर ये जो है वो वुडन एन बी हुए इसके अंदर पे वो लोग लो हनी वगैरह देंगे तो फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बना रहा हूँ और एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और उसके बाद में बीच में हनी जो एक्स्ट्रैक्टर है ना वो बना रहा हूँ यार अच्छा लगेगा यार ऐसा यस भाई अच्छा तो लगेगा अच्छा तो लगेगा एक ये यहाँ पे बना रहा हूँ मैं इसको और उसके बाद में हनी ये वाला बना रहा हूँ मैं बहुत सही लग रहा है तो ऐसे करता हूँ मैं जल्दी जल्दी इसे पूरा पूरा तैयार कर लेता हूँ बना लेता हूँ एंड उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखलाता हूँ ठीक है वाइट कलर ही डाल दिया है एंड यहाँ पर और भी कलर जो हम लोग डालने वाले रुको भाई अभी मैं डालने ही वाला हूँ क्यूँकी पीछे में तुम लोग देख सकते हो ट्रॉली के है भाई यहाँ पर बहुत सारे कलर जो मैंने लेके आया हुआ है ये देखो इसी ट्रॉली पे लेके आया हुआ है यहाँ पे कलर तुम लोग देख सकते हो एंड अबे यार कितना लगता है यहाँ पे प्लैंक भाई सीरियसली इनको कितना ज्यादा प्लैंक खाना रहता है लो भाई, खा लो, लो भाई भाई खा प्लैंक हुई ना बात अबे ऊपर चल भाई अब हम लोग यहाँ पर पेंट करने वाले हैं हमारे बी वाले फार्म को तो यहाँ पर ये ग्रीन अपन ना इस पे डालने वाले या सेल्फ पे डालेंगे अच्छा लगेगा ये ग्रीन कोप्सो सच में अच्छा लगेगा हाँ अच्छा तो लग रहा है एंड ये, ये येलो कलर ना येलो कलर बोलू या येलो कलर या ये पता नहीं इसमें डलने के बाद में कौन सा कलर हो जाएगा वैसे येलो ही हो रहा है डालना है भाई इसी को ही डालूंगा मैं इसमें मैं कलर नहीं कर सकता हूँ यस इसमें कलर नहीं कर सकता हूँ इसमें कर सकता हूँ लेकिन हाँ रे इसमें कर सकता हूँ मैं इसको मैं रेड करने वाला हूँ और रेड में कैसा लगने वाला वो अपन देखने वाले हैं और नीचे में तो इसको ब्लैक ही करने वाला हूँ ऑफकोर्स भाई मैं ब्लैक ही करता हूँ पता नहीं क्यों मेरे को ब्लैक अच्छा लगता है नीचे पे तो मैं ब्लैक ही करने वाला हूँ रेड वाला जो है ना ये थोड़ा सा हल्का सा ना चेंज है भाई इसका कलर तो ये कैसा लगने वाला है अच्छा तो लग रहा है चेंज नहीं है भाई वैसा ही लग रहा है ये सेम यार पता नहीं क्यों मैं जो भी रेड कलर लाता हूँ ना सेम ही निकल जाते हैं वो लोग दिखते अलग अलग है ना ऐसा देखो तो लेकिन सेम निकल जाते हैं ऊपर मैं ब्लैक करने वाला हूँ यार ये रेड ना अच्छा नहीं लग रहा यार मेरे को पता नहीं क्यों अब नहीं ये ना ये रेड ना मेरे को चुभना स्टार्ट हो जाते हैं आंखों पे मैं क्या करता हूँ कि इसको व्हाइट कलर करके देखू क्या व्हाइट और ब्लैक कलर करके देखे क्या अपन यस भाई व्हाइट इसमें है ना यस इसमें है व्हाइट वैसे व्हाइट कलर और ब्लैक कलर करके देखते हैं अपन कि उसमें कैसे लगने वाला है हाँ यार ये व्हाइट कलर वैसे अच्छा लग रहा है इस इसमें मैं व्हाइट कलर ही करने वाला हूँ ये व्हाइट कलर और ऊपर में जो है ना ये कैप इसका इस इसपे हम लोग करने वाले हैं ब्लैक कलर ब्लैक कलर अच्छा लगेगा अबे नीचे इसमें नहीं करना पागल है भाई गेम बॉय तू तो भाई गधेड़ा हूँ भाई मैं सच्ची गधेड़ा हूँ मैं भाई मैं एक डार्क वाला जो रेड कलर है ना वो लाया था वो क्यों नहीं डाल रहा हूँ मैं इसमें एक बार डाल के देखता हूँ मैं इसमें अगर अच्छा लगेगा ना वो वाला तो वो वाला ही रख दूंगा मैं क्योंकि तो हर जगह पे ना ये वाइट वैसे अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली सच में अच्छा लग रहा है यार ये नीचे में ब्लैक कलर मेरे को मजा नहीं आ रहा है भाई देखो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती समझ रहे हो कलर भी हम लोगों को सोच समझ के डालना है भाई ताकि हमको अच्छा लगे वो कलर ब्लैक कलर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है वहां पर तो ब्लैक कलर ड्रॉप भाई उसको नहीं करने वाला हूँ ये हल्का सा चेंज है क्या कलर ब्लैक कलर तो है लेकिन ये हल्का सा चेंज वाला कलर है ऐसा मेरे को लग रहा है देख के देखो ये वाला ब्लैक अलग लग रहा है ये वाला ब्लैक अलग लग रहा है और ये वाला जो है ना ये वाला कलर अगर मैं वहाँ पे डालू तो कैसा लगेगा अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो अजीब सा लग रहा है पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को ठीक है रहने देता हूँ मैं वाइट कलर ही सही यार नीचे में बल्कि रेड कलर कर देता हूँ यस भाई नीचे में बल्कि ये रेड कलर कर देता हूँ और ऊपर में यस वाइट ठीक है व्हाइट ही कर दूंगा फिर मैं इधर भी रेड यस yes, भाई इधर रेड इधर रेड इधर रेड इधर रेड यस भाई रेड हो गया यहाँ पर और ब्लैक कलर जो था ना उसको उठा के ना इसमें करने वाला हूँ ब्लैक का इसमें करने वाले हैं ब्लैक का भाई सही लग रहा है अब तो भाई सच में सही लग रहा है वाइट दे भैया हमका वाइट कलर वापस से चाहिए हमको यहाँ पे डाली डाल दिया भैया ने यहाँ पर और ना एक्चुअली पे मैं सोच रहा हूँ कि अब ये रेड कलर ना बल्कि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ये रेड कलर इसमें शायद अच्छा लगेगा यस इस पट्टी पे कर देंगे भाई ओके तो भाई पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने रेड कलर डाल दिया यहाँ पर वैसे अच्छा लग रहा है इसको तोड़ूंगा भाई मैं उस समय तोड़ दिया था बट वापस से बनाना पड़ गया पेंट करना था ना इसलिए वापस से बनाना पड़ेगा मेरे को लेकिन इसको तोड़ूंगा मैं उसका कोई टेंशन नहीं है भाई तुम लोग घबराना मत भाई सही लग रहा है यार सच में अच्छा लग रहा है मजा आ गया भाई ऐसा ही होना चाहिए भाई एकदम अच्छा लगना चाहिए और बाहर की तरफ ना मैं ऑरेंज कलर करने वाला हूँ ऑरेंज कलर तो था ना मेरे पास में वैसे ये वाला कलर ये भी तो ऑरेंज मतलब येल्लो है और ये वाला बल्कि ऑरेंज है तो ये वाला ऑरेंज ये वाला है ना मेरे ख्याल से यस ये वाला है तो इसको हम लोग बाहर की तरफ करने वाले हैं यस भाई ये अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से तो यहाँ पर ये करने वाले हैं अच्छा लग रहा है भैया भाई यार मजा आ गया यार मतलब आए हे मजा आ गया भाई सच में मजा आ गया भाई ये सही लग रहा है ये भी सही लग रहा है इस पे एंड लेट्स गो अच्छा लग रहा है अरे इसमें कौन डालेगा भाई इसमें भी डाल दिया अपन ने एंड ये जो नीचे में बना हुआ है ना भाई फाउंडेशन इस पे मैं बल्कि रेड करने वाला हूँ रेड सच में अच्छा लगेगा और लग भी रहा है सच में अच्छा ये ओके okay भाई पूरे फाउंडेशन में हम लोग ये रेड कलर कर दिया है भाई सच में अच्छा लग रहा है देखो मैं बोला था ना पेंट होते होते ना ये अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा भाई रुको रुको पहले इसको अंदर डाल दे दो और इसमें भी तो पेंट करना है ना अब देखो भाई कैसा लग रहा है इसमें भी दरवाजे में भी मैं दरवाजे में कौन सा पेंट करूं मैं Uh, दरवाजे में वाइट कलर अच्छा नहीं लगेगा कुछ यूनिक कलर नहीं है मेरे पास में जो मैं डाल सकूं तुम लोग ना यहाँ पे देख सकते हो मैंने ब्लू कलर डाल के देखा बट मज़ा नहीं आ रहा और ये वाला कलर अच्छा लग रहा है आई गैस भाई ये वाला कलर सच में अच्छा लग रहा है यही डाल देते ना फिर अपन कोई दिक्कत ही नहीं है फिर अपने को ये डाल दिया अपन ने और शायद ये कलर जो है वो ख़त्म होने वाला है आ, मेरे ख्याल से खत्म या एक में बस रह गया यार ठीक है अभी रुको देखते हैं अभी कलर और लेके आना पड़ेगा भाई मेरे को मेरे ख्याल से अब तुम लोग देख सकते हो भाई कैसा लग रहा है हमारा हनी वाला फार्म और सबसे पहली बात भाई टूट जा यार तेरा कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे रहने का तुम टूट जाओ बढ़िया है अच्छा लग रहा है अब ये टूट गया तो मेरे को एंड अभी जो है ना ऊपर की तरफ भी मैं ये, ये रेड कलर कर देता हूँ ऊपर की तरफ आई गेस रेड कलर अच्छा लग रहा है सोच में अच्छा लग रहा है रेड कलर ऊपर पे अच्छा लग रहा है यार यस ऊपर पे रख देते हैं ऊपर पे रख देते हैं ये हुई ना बात ये डाल दो 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 भाई मस्त लग रहा है भाई मैं कितने जगह छोड़ा हुआ हूँ यार ऐसा ही देखते हैं सब तरफ हो गया ना भाई यहाँ एकदम चकाचक हो गया सब तरफ बढ़िया है भाई और ये वाला जो कलर है ना येलो वाला इसको मैं क्या करने वाला हूँ कि रूफ में डालने वाला हूँ बोले तो यहाँ पे डालने वाला हूँ यहाँ पे अच्छा लगेगा ये आई गैस अच्छा तो लगना चाहिए अच्छा लग रहा है गो अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है और ये ऊपर की तरफ डल गया ना भाई ये मेरे ख्याल से डला कि नहीं डला ऊपर की तरफ डल गया भाई यस अब हमारा कंप्लीट हो चुका है हनी फार्म छोटा सा है मगर एक नंबर है भाई तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि यार ये वाला हनी फार्म तुम लोगों को कैसा लगा मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये अच्छा लगना चाहिए बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को एंड मैंने ना जो तोड़े हुए थे ना हनी एक्टेक्टर वगैरह उसका जो बी वाला जो है ना छत्ता जो वो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये देखो इसको हम लोग वापस से डाल देते हैं वहां पर तो जल्दी से चलो भाई यस यहाँ पे आ गए अपन भाई कितना प्यारा लग रहा है एकदम से छोटू सा लग रहा है और क्यूट सा लग रहा है यार तो मैं क्या करने तो वाला अरे तो नहीं भाई ये मैं भूल भाई कितना गधेड़ा गेम बो पहले ये धुआं डालना पड़ता है भाई इनके ऊपर पे मैं कैसे भूल सकता हूँ ये उसके बाद ही मैं ये सब को मैं छू सकता हूँ छू लिया छू लिया छू लिया मैंने तो इसको हम लोग को इसके अंदर डालना है ना इसके अंदर नहीं डालना रहता यार इसको इसके अंदर डालना रहता अरे यार फिर से ओ, दिमाग खराब भैया ये है मधुमक्खिया मेरे को चाप चाप के एक ही है मेरे पास में मतलब और नहीं है गायब हो जाती है क्या वो मैंने डाल के रखी थी भाई पांचों के पांचों को सत्यानाश हो गया भाई मतलब कि यार वापस से मेरे कब ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ेंगे यार यही तो बवाल है ना इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा अब ये मेरे को नहीं चाहेंगे इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा अब ये जीरो परसेंट दिखा रहा ना अभी हंड्रेड परसेंट होगा तब हम लोग को एक्सट्रैक्टर पे डालना पड़ेगा लेकिन भाई आज का एपिसोड में यही तक रखने वाला हूँ मधुमक्खिया ढूंढने के लिए हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जाने वाले हैं क्योंकि यार ये एपिसोड में अगर मैं हनी ढूंढने गया ना तो भाई लिटरली बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो और जो कि आप लोग भी नहीं चाहोगे मेरे ख्याल से और मैं भी नहीं चाहूंगा एंड तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि यार ये हमारा हनी वाला फैक्ट्री तुम को कैसा लगा एकदम से मेरे को तो चुम्बेश्वर लग रहा है यार तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है एंड हाँ भाई अगर तुम लोग चैनल पे नए हो अगर तुम लोगों को मेरा गेम प्ले अच्छा लग रहा है तुम लोग इन्जॉय कर रहे हो तो भाई जरूर से सब्सक्राइब करना क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसा ही मजेदार मजेदार तुम्हारे लिए हर दिन गेम प्लेस लाते रहता है एंड रेंज सिम्युलेटर का प्लेज चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि बहुत सारा चीज किया हुआ है अपन ने इस रेंच पे तो भाई वो जरूर से देखना तुम लोग वीडियो अगर मिस कर दियो तो और यस भाई और भी मैंने गेम्स खेले हुए हैं तो उसको भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो आर्क सर्वाइवल इवॉल्ड भाई डायनासोर की दुनिया बहुत ज्यादा मजा आता है तुम लोग को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा वो जरूर से देखना एंड ट्रेडर लव सिमुलेटर टू एंड और भी बहुत सारे गेम्स खेल रखे हॉरर गेम्स खेल रखे रेसिडेंट एविल फोर री तो तुम लोग वो जरूर से चेकआउट करना और जब तक से तुम लोग प्ले लिस्ट चेकआउट करोगे गेम प्ले चेकआउट करोगे तब तक से मैं तुम्हारे लिए नया गेम प्ले रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ तब तक के लिए गुड बाय